Please do subscribe Madhav Ki Pathshala YouTube channel and press bell icon. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माधव की पाठशाला में। मैं संदीप कुमार, और आज मैं पर्यावरण का तीसरा पाठ लेकर आया हूँ, जो कि आज हम पढ़ेंगे आहार श्रृंखला के बारे में कि आहार श्रृंखला क्या होती है, जिसे फूड चेन कहते हैं। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह होता है। जीवों की ही इस श्रृंखला को ही आहार श्रृंखला कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस में जो जीव जुड़े होते हैं, उनके द्वारा जो ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, जो कि एक पथीय प्रवाह होती है, उसी जीव की श्रृंखला को ही आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, घास, घास को कौन खा रहा है? ग्रास होपर, और ग्रास होपर को मेढक, मेढक को सर्प, और सर्प को गिद्ध। इस प्रकार से ये एक पथीय प्रवाह है, जो कि घास की जो ऊर्जा है वो ग्रास होपर में जा रही है, ग्रास होपर से मेढक में, मेढक से सर्प में, और सर्प से गिद्ध में। तो फाइनली जो सबसे कम ऊर्जा पहुंचती है वो गिद्ध के पास पहुंचती है। जैसे हम बता चुके हैं कि जो घास या कोई पदार्थ हुआ, जो कोई पौधा हुआ, वो सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। दूसरी चीज़, जैसे पौधे, कृमि हैं, चिड़िया, बिल्ली, इस प्रकार से है। अब पढ़ते हैं आहार जाल के बारे में, फूड वेब क्या होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, जो कि आहार जाल के बारे में हम समझेंगे सही तरीके से। कि पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, और ये आहार श्रृंखलाएँ हमेशा सीधी ना होकर, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ये सीधी हों, जैसे मैंने ऊपर बताया बिल्कुल सीधी हों, ये टेढ़ी मेढ़ी या आड़े तिरछे भी जुड़कर एक जाल सा बनाती हैं। आहार श्रृंखला के इस जाल को ही आहार जाल कहते हैं। आहार जाल जो बनाने का कारण यही है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का भी उपयोग कर सकता है, या एक से भी अधिक भोजन वो उपभोग कर सकता है। आहार जाल में ऐसा होता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं आहार जाल के बारे में, पौधे की ग्रास, पौधे को कौन खा रहा है? ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को बाज, तो बाज यहाँ पे ग्रास ऊपर को, फिर इस प्रकार से पौधे को ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को गिरगिट, और गिरगिट को बाज। यहाँ पे भी देखिए पौधे, फिर पौधे यहाँ पे कौन खा रहा है? खरगोश, खरगोश को बाज, फिर चौथी लाइन में पौधे, पौधे को चूहा, चूहा को सर्प, सर्प को बाज, और यहाँ पे पौधे, पौधे फिर बाद चूहा, फिर बाज। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि एक ऑर्डर में ना होकर यहाँ पे कई प्रकार से उपभोग कर रहे हैं। जैसे बाज है, बाज की बात करें तो बाज सबसे यहाँ पे उच्चतम श्रेणी का मांसाहारी माना जाता है, जो कि ग्रास ऊपर को खा रहा है, यहाँ पे गिरगिट को खा रहा है, खरगोश को खा रहा है, सर्प को खा रहा है, और चूहा को खा रहा है। तो ये सब आहार जाल कहलाते हैं, आहार जाल कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं पोषी स्तर, जिसे कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं, तथा हर स्तर पर भोजन ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इसी ही स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। पोषी स्तर जो है, आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं, तथा हर स्तर पर भोजन जो है ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, और आहार श्रृंखला के इसी स्तरों को ही पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला कई पोषी स्तरों का बना होता है, इसका प्रत्येक चरण ही पोषी स्तर है। अब पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की बात करें, यहाँ पे जो, हाँ एक बात और बताना चाहेंगे, जो पोषी स्तर होता है, पोषी स्तर को हम उत्पादक से जोड़ते हैं, या उत्पादक को हम ऐड करते हैं, यानी उत्पादक को यहाँ पे प्रथम पोषी स्तर माना जाएगा। उसके बाद जो प्रथम उपभोक्ता है उसको द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय, और तृतीय को चतुर्थ पोषी स्तर माना जाएगा। यह पोषी स्तर का सीक्वेंस होता है। बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित दो मूल प्रक्रियाएँ संपादित होती हैं। पहले की सौर ऊर्जा, यानी ऊर्जा का जो मूल, जो सौर ऊर्जा का हरे पौधे के द्वारा प्रग्रहण होता है, और वह अन्य जीवों में वह खाद्य के रूप में हस्तांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार ऊर्जा का प्रभाव, फ्लो ऑफ एनर्जी, एक पथीय होता है। विभिन्न अजैव पदार्थों, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ आदि का चक्रीय पथ के द्वारा जैव और अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान होता रहता है। विभिन्न अजैव, जो भी अजैव पदार्थ है, जैसे नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें आदि के, जो चक्रीय पथ, साइक्लिक पाथ के द्वारा जैव और अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान होता रहता है। चक्रीय का मतलब होता है कि वो एक, जरूरी नहीं कि एक ऑर्डर में चले हैं। कई प्रकार से ये लोग
अपने भोजन का वातावरण के बीच आदान प्रदान करते रहते हैं। अब पढ़ते हैं ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो जीव मंडल में ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो सौर ऊर्जा है। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा के एक अत्यंत छोटा भाग, करीब 1% हम कह सकते हैं, हरे पौधे यानी उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा जो कि कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी से पहुंचने वाली जो सौर ऊर्जा के एक अत्यंत यानी जो सौर ऊर्जा से एक अत्यंत छोटा भाग, करीब 1%, जो पौधे होते हैं केवल 1% ही हरे पौधे यानी उत्पादक की बात कर रहा हूँ, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जितनी भी ऊर्जा ग्रहण करते हैं उसका केवल 1% ही वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। तीसरा पॉइंट है कि हरे पौधे द्वारा संश्लेषित ऊर्जा में से कुछ का उपयोग तो वह स्वयं पौधे द्वारा मेटाबॉलिक क्रियाओं के संपादन में हो जाता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हरे पौधों द्वारा जो संश्लेषित ऊर्जा की जाती है जब वो करते हैं तो उपयोग स्वयं पौधों द्वारा मेटाबॉलिक, मतलब ये होता है कि जब वो ऊर्जा में बदलते हैं, जो ऊर्जा बदलने की जो एक्टिविटी है उसे मेटाबॉलिक क्रिया कहते हैं। जब सूर्य से प्रकाश लेकर पौधे जो है ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट में जब उसको बदलते हैं तब वो जो ये प्रक्रिया होती है उसे ही मेटाबॉलिक क्रिया कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हरे पौधे द्वारा संश्लेषित ऊर्जा में से कुछ का जो उपयोग है स्वयं पौधों द्वारा मेटाबॉलिक क्रियाओं के संपादन में हो जाता है, तथा कुछ मेटाबॉलिक जो है जैसे कुछ मेटाबॉलिक श्वसन के रूप में वायुमंडल में या ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होकर वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। शेष ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में हरे पौधे के उत्तकों में संचित रहती है। यही ऊर्जा उपभोक्ताओं या जंतुओं और अवघटनकर्ता बैक्टीरिया जो कि फंगस को कहते हैं को उपलब्ध होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये ऊर्जा का प्रवाह होता है जो पौधे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य से प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जितने भी प्रकाश का 1% वो उत्पादक अपना प्रकाश संश्लेषण रासायनिक ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। जब ये भोजन बनाते हैं या जब ये क्रियाएं करते हैं भोजन बनाने की जिसे मेटाबॉलिक क्रिया कहते हैं, उसमें से भी ये कुछ भोजन का जो होता है जो खपत होता है उसके बाद कुछ तो ये श्वसन के रूप में श्वसन के द्वारा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होकर ये वातावरण में मुक्त हो जाती है। शेष जो ये ऊर्जा बढ़ती है रासायनिक ऊर्जा जिसकी कार्बोहाइड्रेट की बात करें वो हरे पौधों के ऊतकों में संचित रहती है और यही ऊर्जा उपभोक्ताओं यानी जंतुओं और अपघटनकर्ता बैक्टीरिया फंगस को उपलब्ध होती है। यही ऊर्जा को प्रथम उपभोक्ता लेता है, प्रथम उपभोक्ता से कुछ परसेंट द्वितीय उपभोक्ता को जाएगा, ये आगे बढ़ाएंगे कितने कितने परसेंट जाते हैं। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, जैसे मैंने बताया एक पथीय होता है, उत्पादक से उपभोक्ता होगा ना कि उपभोक्ता से उत्पादक। तो एक पथीय का मतलब या एक दिशा का मतलब यही होता है, जैसा कि आपने हमें यहाँ पर दिखा रखा है। अब तीसरी लाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर, मैंने बताया कि प्रत्येक पोषी स्तर वो होते हैं जो उत्पादक से ऐड होते हैं, उत्पादक को जोड़ा जाता है, यानी उत्पादक को प्रथम पोषी स्तर माना जाता है, प्रथम उपभोक्ता को द्वितीय, द्वितीय को तृतीय, तृतीय को चतुर्थ, इस प्रकार से पोषी स्तर का वो होता है, एक पिरामिड के तौर पर बना होता है जिसमें से सबसे अंतिम वाले को टॉप पे यानी दिखाया जाता है पोषी स्तर को। अगर हम वहाँ पर बाज की बात करें तो बाज जो है उच्चतम श्रेणी का जो है उपभोक्ता कहलाता है। ये एक पिरामिड बनाया जाता है पोषी स्तर का और उत्पादक को प्रथम पोषी स्तर माना जाता है। तो यहाँ बात कर रहे थे आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का। जैसे मान लो सपोज दैट उत्पादक है, उत्पादक ग्रास होपर खाता है, तो ग्रास होपर पूरे उस ऊर्जा के केवल 10% ही ऊर्जा वो हस्तांतरण होता है उत्पादक से ग्रास होपर में। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा का ही हस्तांतरण अगले पोषी स्तर का हो पाता है। जैसे वहाँ पे हमने बताया था जैसे पेड़ है या कोई पौधा है या घास, वहाँ पे जो एग्जांपल था घास का 10% किसको कौन ऊर्जा मिलेगी, ग्रास होपर को, अभी आगे हमने यहाँ समझा रखा है, तथा शेष 90% ऊर्जा का व्यवहार विभिन्न प्रकार से होता है। जैसे मान लें घास है, ग्रास होपर है, मेढक है, सर्प है, तो यहाँ पर हम देखें 10,000 किलो कैलोरी है घास में ऊर्जा अगर, और तो 10,000 किलो कैलोरी की जो ऊर्जा है वो 10% इसका होगा 1000
किसको मिलेगी किलो कैलोरी ऊर्जा? ग्रास ऑफर को। इसका परसेंट 100 किलो कैलोरी ऊर्जा हुई किसको? मेढक को। और 100 का 10% हुआ 10 किलो कैलोरी सर्प को। इसके आगे अगर होता बाज तो उसको भी 10% ही मिलता। इस प्रकार से ये 10-10% के फॉर्म में आगे ऐसे ऊर्जा ट्रांसफर यानी स्थानांतरण होती रहती है। यहाँ पर हमने दिखाया, अगर हम बात करें तो घास जो उत्पादक है, ग्रास ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, द्वितीय उपभोक्ता यहाँ पे हुआ और ये सर्व तृतीय उपभोक्ता हुआ। तो ग्रास ऊपर जो यहाँ पे उत्पादक के 10% 1000 ग्रास ऊपर को ऊर्जा स्थानांतरण होती है और यहाँ का 1000 का 10% 100 मेढक को और यहाँ का 100 का 10% 10 जो कि सर्व को होती है। ये हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि उत्पादों के यहाँ पोषी स्तर के तौर पर माने जाएंगे और प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय पोषी स्तर और द्वितीय को तृतीय और यहाँ पर तृतीय उपभोक्ता को चतुर्थ पोषी स्तर मानते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी और आगे भी इसके कुछ पॉइंट हम बता दे रहे हैं उनको भी। इस प्रकार हम पाते हैं कि अधिकतम जो ऊर्जा है, इस प्रकार हम पाते हैं कि जो अधिकतम ऊर्जा है उत्पादक जैसे हरे पौधे की बात कर रहे हैं यहाँ पर स्तर पर संचित है तथा इस ऊर्जा में हर पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर कमी आ जाती है। उत्तरोत्तर का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर और कम, इस प्रकार से ये उत्तरोत्तर कमी आती रहती है ऊर्जा के स्थानांतरण में। अर्थात शाकाहारी जो है तीसरे और चौथे पोषी स्तरों पर स्थित मांसाहारी की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा एकत्र भोजन को, जहाँ पर समुद्र गलत हो गया, ज़्यादा ऊर्जा भोजन का उपयोग करते हैं, यानी जो उत्पादक होते हैं वो ज़्यादा ऊर्जा का भोजन करते हैं। बात करें तीसरे चौथे जो पोषी स्तर वाले होते हैं मांसाहारी होते हैं, ये अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा, क्योंकि उनको ज़्यादा उतनी ऊर्जा नहीं मिले इसलिए उनको ज़्यादा ऊर्जा भोजन करने का ज़रूरत पड़ती है। हम बात वहाँ पर बात करें तो उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऊर्जा कम हो जाती है। सामान्यतः उच्च पोषी स्तर के जीवों को अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए, जो जैसे मैं बाज की बात करूँ, पिरामिड समझो ऊपर बाज होता है भी, जिस हिसाब से मैंने बताया उसमें सामान्यतः उच्च पोषी स्तर के जीवों को अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ तक ऊर्जा पहुँचते पहुँचते कम हो जाती है। अतः निचले पोषी स्तर जीवों की संख्या अधिक होती है। यही कारण होता है कि जो उच्चतम श्रेणी के जो पोषी स्तर के जीव हैं वो विलुप्त की कगार पर आ गए हैं क्योंकि वो उस प्रकार की ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाते हैं जिनको जिस हिसाबों को चाहिए। अगले विभिन्न पोषी स्तरों के जीवों की अगर हम संख्या की बात अवलोकन किया जाए तो एक पिरामिड के सादृश आकृति बनाती है जिसे संख्या का पिरामिड कहा जाता है। पिरामिड का वही मतलब नीचे उत्पादक हो जाएगा, सबसे नीचे की बात करें, उसके बाद ग्रास ऊपर की बात करें, उसके बाद ग्रास ऊपर को यहाँ पर मान लो सर्प और सर्प को यहाँ पर मान लो बाज, तो बाज जो है पिरामिड में टॉप पे होगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माधव की पाठशाला एंड प्रेस बेल आइकन।